बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो कैसे हैं आप सभी? आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे वाहियात ऐड के बारे में जिन्हें सुनकर और देखकर आपके कानों में से और आंखों में से खून बहना शुरू हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये क्या गंदे इशारे हैं? अबे अगर तुझे जेब में ही डालना था तो सीधा क्यों नहीं ले लेता? इसकी शक्ल ऐसी लग रही है जैसे इसने जादू देख लिया। अबे ये तो जादू का बाप है और इसकी जुबान सांप से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इससे बच के रहना, ये तुम्हें कहीं भी काट सकता है। और सोचने वाली बात तो ये है कि इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो चलो यार चलते हैं अपने दूसरे ऐड की ओर। भाई ये किसे मारने के लिए लेके जा रहा है और अभी जाएगा और किसी के पिछवाड़े में घुसा देगा। सबर तो उससे हुआ नहीं, जाके गाड़ी के पिछवाड़े में घुसेड़ दिया। ये कैसे गंदे इशारे हो रहे हैं इन वीडियो में। अपनी शक्ल देखियो भाई, आईने में जाके सुअर से मैच करती है। 80 लाख रुपए का है यार, कौन दे रहा है पैसे? तेरे बाप पैसे निकाल, 5 रुपए निकाल। अबे गंजे की औलाद, 80 लाख की गाड़ी और 5 रुपए मांग रहा है, लाइट टूटी है भाई। और इसकी शक्ल केले के छिलके जैसी है। नहीं भाई सही में, जितने भी लोग ऐड बनाते हैं गांजे फूक के बनाते हैं। अब मुझे ये तो नहीं पता कौन से गांजे फूकते हैं, लेकिन ये गांजे फूक के बनाते हैं। तो चलो यार चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी ऐड की ओर। हमका बहुत नर्वसनेस हो रही है यार। कबड्डी खेले है ना, तो आज रात को भी खेल ले, जीत के आना। ये क्या था? नहीं ये क्या था और क्यों था? वो उसकी थोड़ी है रसगुल्ला नहीं है जो निकाल के खा जाएगा। कबड्डी मैदान में खेलते हैं, सुहागरात में नहीं। और ये तो महापागल है, खेलने भी चला गया। ऐसे ही होता है जब किसी प्राणी को बंदर के दौरे पड़ते हैं और इसका दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं है। जब कोई प्राणी ऐसी हरकत करता है तो उसे पड़ती है और गंदी पड़ती है। हर चीज का एक वक्त होता है, पर डोरमेंट खाने का कोई वक्त नहीं होता सर, खाओ कभी भी। यार तुम्हें कहीं भी ऐसा लगा हो कि क्लोर मिंट का ऐड है तो कमेंट करके बताओ। इस प्राणी को अभी भी होश नहीं आया है, इसे हॉकी भी खेलनी है। बेटा तुझे कहीं गंदी पड़ेगी और बहुत ही गंदी पड़ेगी। तो चलो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और यार अगर इसका पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट करना।